किसान आंदोलन बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है जी। बंगाल में और बंगाल के साथ जो 4-5 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें हमें नतीजे देखने को मिले हैं। कई जगह भाजपा की सरकार नहीं आई, जहां लग रहा था चांसेस बन रहे थे, जैसे तमिलनाडु में माहौल था कि सरकार बनेगी, लेकिन किसान आंदोलन के वहां बीजेपी की लिए थोड़ा सा उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और बंगाल में भी बहुत असर डाला है। तो इसी तरीके से अब चूंकि यहाँ पे जो गाजीपुर बॉर्डर है ये उत्तर प्रदेश में आता है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सीधे तौर पे ये आंदोलन असर डालेगा। इसके साथ ही पंजाब का किसान भी इस आंदोलन में शुरू से जुड़ा हुआ है, तो पंजाब के चुनाव में भी ये आंदोलन असर डालेगा। इसके अलावा जो चुनाव हो रहे हैं गोवा में और नागालैंड में है, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ भी इम्पैक्ट पड़ेगा और बीजेपी 5 में से एक भी राज्य में शासन में सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि इस समय बीजेपी के अंदर दूरदर्शिता की कमी है। और जिन मुद्दों को लेकर, ख़ास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी उनमें से एक भी मुद्दे पे ये काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये रोजगार पे काम नहीं कर रहे हैं, ये बढ़ती हुई महंगाई पे लगाम लगाने में नाकाम है, और भ्रष्टाचार इस समय जो है वो बढ़ रहा है दिन पे दिन, और भ्रष्टाचार पे भी इनकी कोई रणनीति दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरे हिसाब से किसान जो है, अब किसानों की पंचायतें भी शुरू हो रही हैं, गांव-गांव पंचायतें होने वाली हैं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के हर ज़िले के हर प्रदेश के पदाधिकारी पहुँचेंगे और बीजेपी के खिलाफ रणनीति तैयार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके की रणनीति अपनाई जाए जिससे कि इनको चुनाव में हराया जाए। इसके अलावा जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, वो उत्तर प्रदेश के जितने भी गांव हैं, लगभग 90,000 गांवों में जाकर बीजेपी की जो नीतियां हैं उनको बताने के लिए उसमें एक अभियान शुरू करने वाले हैं। नहीं सर, आपको नहीं लगता कि किसान भी अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं? नहीं, किसान तो बीजेपी के खिलाफ है। हाँ। अलग अलग पार्टियों का भी कोई डिसाइड नहीं है। सरकार उत्तर प्रदेश में जिसने बढ़िया चलाई और जिस पे किसान ने भरोसा अब तक कायम किया है, किसान उसके साथ जाने का फैसला करेगा। किसान बटा नहीं है बिल्कुल, लेकिन जो किसान जो गौ रक्षा दल चलाता है लेकिन किसान कानून के खिलाफ है बीजेपी के, तो क्या लगता है वो किसी दूसरे को वोट देगा? नहीं, गौ रक्षा दल चलाता है, उसके गौओं से अगर कुछ लोग लाभ उठाते हैं, जो गौ माता मर रही हैं और गौ माता का कोई ध्यान नहीं है लेकिन सरकार से लाभ उठाता है, वो मानता हूं मैं कि वो तो भाजपा के खिलाफ नहीं जा सकता है। लेकिन जो गौ माता का सही भक्त है, वो गौ माता की जो स्थिति आज देख रहा है, वो बिल्कुल सरकार के खिलाफ खड़ा है और वो उसे कहां वोट देना है वो तय कर चुका। किसान लगातार ही बात कर रहे हैं कि बंगाल में जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला किसान आंदोलन ने, लेकिन बंगाल के मुकाबले उत्तर प्रदेश में जो जाति धर्म की ज़्यादा राजनीति होती है और जाति धर्म को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो क्या लगता है किसान आंदोलन कितना प्रभाव डाल पाएगा? एक तो ये समझ लो कि किसान आंदोलन ने जाति धर्म तो खत्म कर दिया। अच्छा, अब सिर्फ पूंजीवादी और एक एक किसान की लड़ाई है। अब जैसे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और पूरे देश में संस्थाएं बेची जा रही हैं जल्दी जल्दी, जिस हिसाब से मोदी सरकार संस्थाएं जल्दी जल्दी बेच रही है, जैसे कि अभी कल परसों ही कुछ संस्थाएं बेची हैं, उस हिसाब से ये लग रहा है कि इन्हें अभी जो 4 महीने रह गए हैं, ये 5 महीने, इसमें बहुत कुछ बेचने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि अब सरकार इनकी आने वाली नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरी पार्टियों में टूट टूट के जा रहे हैं, उन्होंने भी तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि बालियान साहब का खुद भाई अखिलेश यादव जी के पास पहुँच गया और अखिलेश यादव जी की पार्टी में शामिल हो गया। तो ये अपनी बचाव मुद्रा में है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में नहीं आना, किसान से पंगा लेके बहुत महंगा पड़ेगा ये पंगा और किसान धूल चटाएगा। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से देखना नहीं चाहता। मतलब संजीव बालियान का भाई समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। तो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं दोनों? कौन सपोर्ट कर रहे हैं? भाई तो मंत्री है ना। भाई मंत्री नहीं है, संजीव बालियान है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में बीजेपी छोड़ के, बीजेपी में आस्था थी लेकिन अब बीजेपी से इस्तीफा देके अगर समाजवादी पार्टी में गए हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें ये हवा का पता चल गया है कि समाजवादी पार्टी आ रही है सत्ता में, या कोई भी पार्टी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से ख़त्म होने जा रही है। लेकिन प्रोफेसर साहब, जितना जहर यूपी में जातिवाद का भरा हुआ, आपको लगता है आसानी से निकल जाएगा? नहीं, जातिवाद का जहर आप कहाँ देख रहे हैं,
आप यूपी में नहीं नहीं यूपी में जातिवाद का जहर नहीं है, जातिवाद का जहर है समाचार पत्रों में, अखबारों में जातिवाद का जहर है, और जो टीवी के जो न्यूज चैनल हैं यहाँ जातिवाद का जहर है। आप देखिए गाजीपुर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ हर जाति का और हर धर्म का आदमी यहाँ आ रहा है, ठीक है। किसी भी ज़िले में चले जाइए, आप किसी भी गांव में चले जाइए, हर ज़िले में और हर गांव में आदमी, हर जाति का आदमी रह रहा है और आपसी मन प्रेम से रह रहा है। मानते ये खत्म हो गई? नहीं, जाति नहीं खत्म हुई, जाति तो है, लेकिन जातीय भेदभाव जो बीजेपी ने फैलाने का काम किया था 2014 में जब ये सत्ता में आए और इन्होंने जाति और धर्म का कार्ड खेल के आपस में समाज में नफरत फैलाने का जो काम किया था, उस चाल को अब जनता समझ गई है। जनता ये जान गई है कि इनका काम सिर्फ वही है जो अंग्रेजों का काम था कि फूट डालो और राज करो, तो लेकिन जनता इस बात को समझ गई है। अपर कास्ट का हुक्के को वाल्मीकि पी सकता है? देखिए जहाँ पे आपसी मनभाव है तो वहाँ अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, साथ में बैठ के भोजन भी करते हैं, मैं भी करता हूँ हर जाति के साथ, हर धर्म के साथ। ये कुछ जो मनुवाजी विचारधारा के लोग हैं वो इस चीज को अभी मान रहे हैं, जो पुरानी 200 साल और 500 साल पुरानी सदी में जो जी रहे हैं, जो समाज जो इस समय 21वीं सदी चल रही है और हम भारत को विश्व शक्ति बनाने की बात कर रहे हैं, और अगर हम अभी भी जाति और धर्म में फंसे रहे, और ऐसे लोग हैं कितने, मुट्ठी भर लोग हैं, 5% 10% लोग हैं, और हमें इन लोगों को और इनकी मानसिकता को, इनकी मानसिकता को बदलना है, और जब तक हम इनकी मानसिकता नहीं बदलेंगे और इनके अंदर से जो जाति का जो भाव है कि मैं ठाकुर हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ या मैं ये हूँ, मैं प्रधान हूँ या मैं जो है बड़ा आदमी हूँ, तो इस चीज़ को हमें निकालना पड़ेगा। इस चीज़ पे आरएसएस और बीजेपी ने बड़ा ज़बरदस्त काम करा है, और इस व्यवस्था को, इसको हम कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था या सामंतवाद। जब तक ये सामंतवाद लोगों के दिमाग से नहीं निकलेगा, तब तक ये जातीय भेदभाव को फैलाने में आरएसएस लगी रहेगी, और हमें इसी व्यवस्था को दूर करना है समाज से। जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव, और उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं अब की बार 350 पार का नारा दिया जा रहा है, तो क्या लगता है किसान आंदोलन? आप मुझे बताओ, आप बड़ा किसान छोटा किसान करोगे, आप हिंदू मुसलमान करोगे, जातियों के हिसाब से आप शोषण करोगे, मंदिर में अगर कोई जाति घुस जाएगी तो उसकी जाति के नाम से पुकारा जाएगा, आप जब भगवान राम का मंदिर बनाते हो उसमें ट्रस्ट में किसी भी जाति को शामिल नहीं करते हो, ओबीसी SC ST मैं कह रहा हूँ ना, और उसके बाद आप कहते हो कि जातियाँ ख़त्म कर रहे हैं और हम 350 सीटें जीत जाएंगे, कैसे आप जीत जाओगे? आपने जो किसानों का शोषण किया, आपने उसके बाद जातियों के में इनकाउंटर किया, आपने जो धर्म देख के और जाति देख के लोगों को मारा और उनको सताया गया, आज भी पुलिस गाली जाति का नाम लेके गाली देती है, वो तुम्हारी पुलिस है, जाति का नाम लेके शोषण करती है, एक खास लोग बिठा दिए गए हैं, तो ऐसे नहीं उत्तर प्रदेश जीता जाएगा। उत्तर प्रदेश, आपने कहा था कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ और आप सन्यासी हो, आपको तो बाद में बिठाया गया। कमियों को दूर करने के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? मैं यही कर रहा हूँ कि बाबा साहब का संविधान, जो संविधान ने हमें सिखाया, जो संविधान ने दिया है, संविधान को इग्नोर करके, संविधान को नहीं, संविधान का इग्नोर करके आप सत्ता में नहीं आ सकते। आप अगर जातियों में लड़ाते रहोगे, जातियों के हिसाब से आप शोषण करते रहोगे, जब आप सत्ता में आ गए तब हमारी तुम जाति पूछने लगे, जाति देखने लगे, और सत्ता से पहले आपने मुझे हिंदू बना लिया, जब काले कानून पास किए तब तो तुमने एक बार भी नहीं पूछा, और डबल आय का नाम के नाम से वोट ले ली हमारी। संविधान की बात कर रहे हैं, मंच पर भी संविधान के नारे लगे हैं, लेकिन संविधान की प्रस्ताव अपना थी मंच पे, वो साइड से रख दी उठा कर लगे। अरे वो ठीक है, देखो आंदोलन जब होते हैं तो आंदोलनों में प्रस्तावना यही पढ़ लें, जो शपथ लेके आते हैं वो कौन सी प्रस्तावना को मानते हैं? तो जो आप क्यों दुहाई देते हैं संविधान? मैं तो जो जाति और धर्म, जिस जाति धर्म की ये बात करके सत्ता में आना चाहते हैं, मैं तो उनकी बात करता हूँ। संविधान की बात ये है, रूल देश संविधान के हिसाब से चलेगा, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलेगा, और ये जो अपनी मनुवादी व्यवस्था के हिसाब से लाना चाहते हैं, संविधान को जलाना चाहते हैं, संविधान को फाड़ के और अपने अपना एक व्यवस्था लगाना चाहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। और उसके बाद ये हमें सिखाते हैं कि आप छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, आप छोटे हिंदू हो, आप बड़े हिंदू हो, आप गरीब हो, वो अमीर हैं, ऐसे नहीं होता है। आरक्षण
की बात अगर आती है तो आरक्षण के हिसाब से, एक तो आरक्षण का लॉलीपॉप ये देते कि सर हमने स्वर्णों को 10% आरक्षण में शामिल कर दिया, एक तरफ आप सरकारी संस्थाएं बेचते जाते हो, तो देश की सारी जातियों को भ्रमित करते हैं और अपना सिर्फ वोट बैंक को ये आगे बढ़ाते हैं, और जो इन्हें वोट गिफ्ट में मिले हुए हैं, जो जिनको इन्होंने फ्री में चाट लिया है, उनका ये शोषण करने में लगे, उनको बर्बाद करने में लगे। मुझे लगता है कि लोग समझ गए अब भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे।